केंद्र सरकार ने कोविड संक्रमण से परेशान मरीजों को ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार पीएम केयर्स फंड के माध्यम से देश भर के 551 जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करेगा। केंद्र सरकार ने बिहार के 15 जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का फैसला लिया है। एक रिपोर्ट। कोरोना के इस काल में हम वहां खड़े हैं जहां ऑक्सीजन की उपलब्धता, रेमडेसिविर जैसी दवाई की आपूर्ति और वितरण, जरूरी कच्चे माल की उपलब्धता के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर लड़ाई जारी है, अगर ये कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा। कोरोना के खिलाफ देश की इस जंग की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर देश भर में जिला मुख्यालयों पर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाए जाएंगे। ये संयंत्र पीएम केयर्स के माध्यम से लगेंगे और प्रधानमंत्री ने इन संयंत्रों को जल्द से जल्द शुरू करने को कहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के प्रधानमंत्री के निर्देश के तहत पीएम केयर्स फंड ने देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 551 समर्पित पीएसए यानी प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए धन आवंटन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इन संयंत्रों से जिला स्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी। ये समर्पित संयंत्र विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में जिला मुख्यालयों पर चिन्हित सरकारी अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे। खरीद प्रक्रिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा, हर जनपद में ऑक्सीजन संयंत्र से ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिससे अस्पतालों को ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ेगी और देश भर के लोगों को लाभ होगा।